जय साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस विषय पर हम लोग फोकस करेंगे और ये पूरा बात करेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान विषय का चयन कैसे करना है, कौन कौन सामाजिक विज्ञान विषय में इन्हीं दो विषयों का चयन करना है। जैसा कि आपको पहले पता हो गया होगा, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये चार विषय हैं। लेकिन आपको जो चुनाव करना है किन्हीं दो विषय का चयन करना है। अब हम ये देखेंगे दो विषय का चयन कैसे करना है। क्या कुछ लोग कह रहे सर मेरा जैसे दर्शन शास्त्र है या समाजशास्त्र है, मैंने ऐसे दो विषय हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़े गए हैं, या कोई कह रहा है कि सर मैं SST से भर दिया हूँ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी चाहे जिससे भी हो, अगर आप SST का चयन किए हैं 9, 10 और 6 से लेकर 8 तक में, अगर मैं वर्ग 6 से 8 की मैं बात करूँ, अगर मैं वर्ग 6 से 8 की मैं बात करूँ, तो एक बात एकदम साफ और स्पष्ट है सभी का। क्या स्पष्ट है वो समझिएगा, 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 10, जिससे भी हो आपका ग्रेजुएशन में कोई विषय रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको जो पेपर देना है BPSC का, उसके 80 नंबर वाले सीरीज में, ध्यान दीजिएगा, अब SST का जो 80 अंक होगा, समझने का प्रयास करिएगा, SST का जो 80 अंक का पेपर होगा, 80 अंक का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, आप जो दो विषय चूज करेंगे उन्हीं से परीक्षा में सवाल आएगा। एक लाइन उस पर समझ लीजिए, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपने 6 से लेकर 8 तक में SST चूज किया है, या 9-10 में SST सामाजिक विज्ञान का चयन किया है, उस सामाजिक विज्ञान के सेशन में आपको एकदम धैर्य रखना है, ध्यान देना है, आपको दो विषय का चयन करना है जिसमें से 80 नंबर का सवाल आएगा, वही सवाल आएगा जो आप चयन करने जा रहे हैं। अब वो दो विषय के साथ क्या शर्त है वो भी जानेंगे। उनमें जो दो विषय का चयन करने जा रहे हैं, एकदम स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, उन दो विषयों में से आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। मतलब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक लेंगे। कहेंगे सर मैं दो विषय कौन सा चूज करूं, देखिए अगर आप हिस्ट्री चूज कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के साथ जा रहे हैं, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, माने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक लेना आपके लिए अनिवार्य है। मतलब ये कॉलम देख रहे हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है, चाहे हिस्ट्री ले चाहे ज्योग्राफी, इनमें से दोनों में से एक विषय आपको लेना अनिवार्य है। और मैंने आपको पहले भी बताया है ये नियम 9-10 वाले में था, लेकिन 6 से लेकर 8 तक में ऐसा नहीं था। अब चारों विषय से पेपर बनने थे, ये अब नहीं, अब यहाँ पर केवल दो विषय से पेपर बनने हैं। अब इन दो विषयों की मैं बात करूं, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, दो विषय हो गया, या हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले लें, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। तो दो विषय हो गए ना, तो इन्हीं से सवाल आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। मतलब केवल दो ही विषय लेना है, कोई विषय दो ले सकते हैं। इन चार में से भूगोल साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं, भूगोल साथ राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, भूगोल साथ इतिहास ले सकते हैं, या इतिहास साथ नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, या इतिहास साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं, या इतिहास साथ भूगोल ले सकते हैं। माने इनमें से इस चार विषय में से केवल दो विषय का ही चयन करना है, दो विषय का ही चुनाव करना है। लेकिन ध्यान रहे, उनमें से इतिहास और भूगोल एक विषय अनिवार्य रूप से आपको लेना है। मैं फिर से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यह कतई जरूरी नहीं है कि यह सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एकदम पूरा समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि यहाँ स्पष्ट नहीं है करना है आपको कि आपने इसे ग्रेजुएशन पढ़ रखा अथवा नहीं पढ़ रखा है। अब इन विषयों को फॉर्म मतलब भरने के साथ आप अपना सबमिट करेंगे और आप अपने परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। एक बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि अब समय कम है, अब चार विषय की जगह आपको स्पष्ट हो गया, दो विषय पढ़नी है 80 नंबर में और 40 नंबर में GS/GK पढ़नी है, 30 नंबर में लैंग्वेज है जो पासिंग पढ़नी है। इन दो विषयों को स्पेशल नोट्स इलोनी विद दुर्गेश पर हस्तलिखित उपलब्ध है, आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दो विषय की नोट्स है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, जो आपको 4 से 5 दिन में रिवीजन करने के काम आ सकता है। माने 4 से 5 दिन में इस नोट्स के माध्यम से आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट। आप उसमें चाहे इतिहास के ले लें, इतिहास की नोट्स, भूगोल की नोट्स, अर्थशास्त्र की, राजनीति शास्त्र, किन्हीं दो विषयों का जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं उनके आधार पर हैंडरिटन नोट्स है, कंप्लीटली आपके लिए तैयार किए गए हैं, ताकि कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाए रिवीजन के लिए। और आपके लिए कुछ मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास की अगर मैं बात करूं तो जैसे इलानी विद्रोह मैराथन क्लास में इतिहास 12 घंटे की है, कल 11 बजे आपके लिए मैराथन होगी और आप उस मैराथन सीरीज का हिस्सा बनेंगे। 12 घंटे की सीरीज चलेगी जिसमें तीनों इतिहास आप पढ़ सकते हैं। कल आधुनिकवाद के इतिहास की सीरीज होगी और आप आधुनिकवाद के इतिहास, मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास, पूरा इतिहास
20 से 25 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। तो आप एक विषय की तैयारी ई लर्निंग में दुर्गेश पर एमसीक्यू की थियरी के माध्यम से आप कर पाएंगे, उससे बाहर परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। दूसरा इकोनॉमिक्स की भी इस तरह से है, ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी 12 घंटे की है और 8 घंटे में वर्ल्ड ज्योग्राफी है लगभग। कोशिश किया गया प्रत्येक पहलू को छूने के लिए जहां से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। उसी तरह 10 से 12 घंटे का पूरी पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल में देखिए दो चीजें पढ़नी, पूरी संविधान पढ़नी है और कुछ पॉलिटिकल का हिस्सा एनसीईआरटी का वो आपको पढ़ना है। तो ये पूरे नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है जो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके देख सकते हैं और इस नंबर पर ध्यान रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जगह ले सकते हैं। इस नंबर पर समस्याएं जानने के लिए सर मुझे ये भरना है वो भरना है ये पूछेंगे प्रश्न तो शायद आपको जवाब ना मिल पाए, कारण ये है ये नंबर नोट संबंधित ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। मेरे द्वारा सभी मैराथन क्लास निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है, मेरी क्लासेस देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए समर्पित है। तो आप अगर 6 से लेकर 8 तक के लिए आवेदन कर रहे हैं और आवेदन कर लिया है और अब प्रवेश पत्र में विषय भरना है, किन्हीं दो विषयों को भर सकते हैं जो आपको लग रहा है, इन दो विषयों को आप इन 6 से 7 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। और वही है 6 से लेकर 8 तक वाले में, तो आप कमेंट करके बताइएगा आप इनमें से 4 में से 2 विषय किसे रखना चाहते हैं, जबकि ध्यान रहे उसमें से एक विषय आपको इतिहास और भूगोल को अनिवार्य रूप से अपने साथ रखना है। कुछ लोग कह रहे सर मेरा सब्जेक्ट जो था वो इससे मैच नहीं कर रहा है, मैंने विषय कुछ और पढ़ रखा लेकिन SST मैंने लिया है। तो भैया आपने कोई भी विषय से पढ़ा हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन जो इन दो विषय इसमें से लेंगे वही आपको पेपर में सॉल्व करने होंगे। पेपर में भी 4 विषय आएंगे, वही विषय आपको हल करना है जो दो विषय इसमें से लेंगे। 6 से 8 तक मतलब जूनियर की बात मैं कर रहा हूँ और और यहाँ पे 9-10 की मैं बात करूँ TGT की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपके सभी सवाल जवाब आपको मिल गए होंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी की बार 1 सीट हमारे बिहार में सपना पूरा करना है। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम समय में आपको हस्तलिखित नोट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिकों के हैं और BPSC के पैटर्न पर तैयार किए गए। ये दोनों एक ही नोट्स आप 6 से 8 और 9-10 दोनों के एक ही नोट्स है, लेकिन हाँ आपको लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, शॉर्ट में चीज़ें रहेंगी, माइंड मैप कॉन्सेप्ट है, मतलब चीज़ें बड़ी हैं लेकिन शॉर्ट में लिखी गई हैं, तो माइंड मैप कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि इतना दिन आपने 1 महीना पूरा पढ़ लिया है, तो अब उससे नोट्स के बाद अब इस माइंड मैप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। टेलीग्राम पर आप जुड़े रहेंगे, नोट्स के कॉपी और क्लासेज मैराथन क्लास का जो हिस्सा है वो आपको टेलीग्राम पर इस पर मिल जाएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यूट्यूब पर अगर वीडियो को देखें इसके अलावा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा रखिएगा। कोई सवाल कोई प्रश्न हो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, कहीं से कोई सवाल है इस वीडियो में कमेंट करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो परीक्षा संबंधित हम उसके लिए आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, सभी मैराथन क्लास को पढ़ लीजिएगा, मैराथन क्लास आपके लिए काफी अहम काफी महत्वपूर्ण होगा जो आपको परीक्षा में सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपके सभी सवाल के जवाब मिल गए हैं, तो BPSC की तैयारी करने वालों के लिए सामाजिक विज्ञान में किन्हीं दो विषयों को रखना फिर से मैं एक बार और बता दूंगा, भूगोल साथ इतिहास कर सकते हैं, भूगोल साथ अर्थशास्त्र कर सकते हैं, भूगोल साथ राजनीति शास्त्र, क्योंकि दो ही रखना है आपको, और इतिहास साथ राजनीति शास्त्र रख सकते हैं, इतिहास साथ अर्थशास्त्र रख सकते हैं, इतिहास साथ भूगोल भी रख सकते हैं, कोई भी है, मैंने दो विषय को आपको चूज करना है, दो विषय का चयन करना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक, इन्हीं 4 में से कोई दो, लेकिन याद रहे कि केवल आप अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र नहीं चयन कर सकते, आपको उसके साथ इतिहास भूगोल को रखना अनिवार्य है, ठीक है, और इसलिए सबकी नोट्स आपको उपलब्ध है, बेहतरीन वाली नोट्स लेने में दुर्गेश पर, और हम अगर आप कहेंगे तो कल की वीडियो में उसकी डेमो लेक्चर हम लेकर आ जाएंगे इन 4 के नोट्स की, ताकि कम समय में आपको जो बेहतर तैयारी करनी है वो आपके लिए परफेक्ट और बेहतर हो पाए, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लाइक तो करते जाइए ये तो आपका फर्ज है, क्योंकि हमने अगर आपके लिए इतना बेस्ट बेहतर किया है तो आप इसके लिए लाइक करते जाइए और वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, और चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा